नमस्कार आदाब सलाम दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के इस सेशन में इस वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको कुछ मेडिसिन, कुछ लोशंस, फिनाइस्ट्रेट, मिनोक्सिडिल कुछ खाने के लिए और लगाने के लिए दी जाती है ताकि आपके बालों का ग्रोथ बेहतर हो। आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कि मिनोक्सिडिल हमें कब तक यूज करना होगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं और अगर आपने ट्रांसप्लांट नहीं भी करवाया है तो भी अगर अपने बालों को आप कंट्रोल में रखना चाहते हो और जो बाल डिफ्यूज कंडीशन में है उसको वापस से रीग्रो करना चाहते हो तो इसके लिए FDA ने दो दवाओं को अप्रूव किया, जिसमें से एक फिनाइस्ट्रेट और दूसरा जो टॉपिकल लोशन होता है मिनोक्सिडिल। ये दो दवाएं हम यूज करते हैं ताकि अपने बालों को बेहतर ग्रोथ दे सके, जो बाल झड़ रहे हैं उनको रोक सके। लेकिन आज जो दर्शक, जो व्यूअर्स हमसे पूछ रहे हैं वो ये कि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद हमें मिनोक्सिडिल कब तक यूज करना होगा। दोस्तों, मिनोक्सिडिल हम यूज करते हैं ताकि हमारे बालों का ग्रोथ बना रहे, बालों में थिकनेस बनी रहे और जो बाल झड़ रहे हैं उनको रोक सके। इसलिए ट्रांसप्लांट के बाद पहला तो जो आपका जो रूटीन होता है कि 6 महीने तक इसको आपको रेगुलर यूज करना होता है, तो आप इसे 6 महीने तक लगातार अपने बालों पर यूज करते हैं, आपके बाल ग्रो होते हैं, बूस्ट होते हैं, इसकी थिकनेस अच्छी होती है। क्या हमें इसे कंटिन्यू रखना होगा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? जी हाँ, मिनोक्सिडिल ठीक उसी तरह से काम करता है। मिनोक्सिडिल आपके स्कैल्प, जब आप इसे अपने बालों पर लगाते हो, जो बॉल्ड पैचेस है वहां लगाते हो, हल्का मसाज करते हो, तो ये आपके ब्लड वेसल्स को ओपन करता है, कैपिलरीज को ओपन करता है, ब्लड के फ्लो को उन जगहों तक पहुंचाता है जहां पर ये नहीं पहुंच पा रहे थे और जिसके वजह से आपके बाल झड़ रहे थे, गिर रहे थे। क्योंकि इसके जरिए हमें बेहतर ब्लड सप्लाई मिलता है, साथ साथ ऑक्सीजन और दूसरे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स वहां तक पहुंचते हैं जो पहले नहीं पहुंच रहे थे। इसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बनी रहती है। लेकिन जब आप इसे छोड़ देते हो तो ये ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे कि एक लैपटॉप में आप चार्ज लगाते हो और फिर उस चार्जर को अनप्लग्ड कर देते हो। जब तक बैटरी की क्षमता है वो बैकअप देता रहता है, लेकिन जैसे ही बैटरी आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन हो जाती है, यही चीज ठीक अप्लाई करता है मिनोक्सिडिल में। जब तक हम मिनोक्सिडिल यूज करते रहते हैं, ब्लड सप्लाई बनी रहती है, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, जो जरूरी ऑक्सीजन है वो वहां तक पहुंचते रहते हैं, इसलिए आपके बालों की थिकनेस भी बनी रहती है और आपके बाल जो गिर रहे थे वो पूरी तरह से रुक जाते हैं। लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तो जब तक इसका इफेक्ट रहता है तब तक ये बालों के ग्रोथ को बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जाती है, ये इसका इफेक्ट कम होता चला जाता है और आप इसे बंद कर देते हो, तो उसके बाद आपका हेयर लॉस वापस से शुरू हो जाता है। लिहाजा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अगर आप अपने बालों की डेंसिटी उसी तरह से बनाए रखना चाहते हैं तो मिनोक्सिडिल आपको हमेशा रेगुलर यूज करना पड़ेगा। 700 के बीच में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको इसे रेगुलर यूज करना है। अगर ट्रांसप्लांट नहीं भी करवाया है और आपके बाल जो झड़ रहे थे, गिर रहे थे और वो अब मिनोक्सिडिल लगाने से थम गए हैं, तो आप इसे कंटिन्यू रखें, इसे बिल्कुल भी बंद ना करें, वरना
होगा यही कि आपके बालों की कंडीशन जो पहले थी उसी कंडीशन में ये वापस चली जाएगी, यानी कि आपके बाल्ड पैचेस वापस से दिखाई देना शुरू कर देंगे। इसलिए मिनोक्सिडिल आपको रेगुलर यूज करना है, जी हाँ, इसे आपको बंद नहीं करना है, इसे डिसकंटिन्यू भी नहीं करना है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको यह समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं इसी साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।